कि जब किसी दल के पास, किसी संगठन के पास अपना कोई महापुरुष नहीं होता है, अपनी कोई महान आइडियोलॉजी नहीं होती है, तो वो उधार के महापुरुषों के का सहारा लेते हैं। और जो भी आज का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व द्वारा किया जा रहा है, वो उधार के महापुरुष को अपना बनाने की कवायद मात्र है। दूसरी बात, हमारे सरदार पटेल जी जो भारतीयता के इतने महान प्रतीक हैं कि उनकी बेटी जो सूत कातती थी उसी की धोती वो पहनते थे। हमारा दुर्भाग्य है कि मेक इन इंडिया का नारा लगाने वाले हमारा नेतृत्व सरदार पटेल की 3,000 करोड़ की मूर्ति को चाइना में बनवाने का काम करते हैं। तो ये एक तरह से ये सरदार पटेल की भारतीयता, उनके स्वदेशीपन और अपने मेक इन इंडिया के नारे के साथ धोखा है। महाराष्ट्र के शिवसेना के जो प्रमुख हैं उद्धव ठाकरे, उनके दूत के रूप में अभी संजय राउत जो लोकसभा के सदस्य हैं वो अयोध्या से लखनऊ तक उन्होंने 2 बार दौरा किया और मुख्यमंत्री से मुलाकात करके उद्धव जी के दौरे के बारे में जो 25 नवंबर को होने वाला है उन्होंने कहा है कि मंदिर हम बनाएंगे। तो उनका जो सहयोगी दल है वह भी विश्वास नहीं कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मंदिर बनाने में कोई रुचि है। वो भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मंदिर मुद्दा सिर्फ जुमला है और राम भक्तों के प्रति धोखा और इसके अलावा कुछ नहीं है।